बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे लीची का जूस। उससे पहले आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। लीची का जूस बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने ले ली हैं। बहुत ही सादा और आसान तरीके से हम बनाएंगे, बिल्कुल बाज़ार जैसा घर में लीची का जूस। घर में हम जिस तरह सफाई से बना सकते हैं, बाज़ार में हमें इतनी सफाई से नहीं मिलता। चलें अब हम अपना लीची का जूस बनाने की तरफ चलते हैं। 5 ग्राम पुदीना, 200 ग्राम शुगर, आप अपने हिसाब से ज़रूरत ले सकते हैं, 1 लीमू, नमक ये भी आप हिसाब से ज़रूरत ले सकते हैं, मैंने 1 चम्मच लिया, और 1 किलो हमारी लीची है। लीची को हम छील लेंगे, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा लीची का जूस जो है ना तैयार होगा। छुरी की मदद से अब हम इसके अंदर से जो गुठली है वो निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह हम इसकी गुठली निकाल लेंगे और लीची को हम एक बर्तन में रखी देंगे, जैसे मैंने ट्रे में रखी है। आप कोई बाउल वगैरह लें उसमें रख लें, कोई भी चीज़ हो। ये देखें, अब मैंने इसको बाउल में डाला है, लीची मैंने सारी छील ली है। अब हम इसको ब्लेंड करेंगे, ब्लेंडर में डालेंगे जूस बनाने के लिए। लीची को मैंने ब्लेंडर में डाल दी है। अब हम इसमें शुगर डालेंगे, मैंने सारी नहीं डाली, मैंने आपको पहले भी कहा आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा चीनी इस्तेमाल करते हैं कुछ कम। नमक मैंने डाला, काला नमक हमने डाला है इसमें, हसबे ज़रूर लेंगे। और ये पुदीने के चंद पत्ते मैंने डाले हैं। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे, मैंने जो है ना ज़्यादा ठंडा पानी लिया, क्यूब्स नहीं डाले। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ठंडा करना है तो इसके लिए आप लोग इसमें क्यूब्स भी डाल सकते हैं, मेरा पानी ही बहुत ज़्यादा ठंडा था इसलिए मैंने इसमें क्यूब्स नहीं डाले। लेमू का रस जो है वो भी हम इसमें निचोड़ लेंगे। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब हम जो है ना ग्राइंडर चलाएँगे अपनी। ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा लीची का जूस जो है वो तैयार हो रहा है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार फ्रेश जूस घर में बनाएं, बाज़ार से अच्छा। कितना ज़बरदस्त हमारा जूस जो है वो तैयार हो रहा है। जूस बनाने के बाद इसको हम छान लेंगे ताकि इसके अंदर जो ज़र्रात हैं वो अलग हो जाएं। वो देखें, जूस हमारा तैयार हो गया है। छानने के बाद मैंने इसको सर्व करने के लिए डाल लिया ग्लास में, मग में, किसी भी चीज़ में आप लोग डाल सकते हैं, जग में डाल के रख लें। कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितना टेस्टी और मज़ेदार ठंडा ठंडा हमारा लीची का जूस जो है ना तैयार हो गया है। मेहमान आए आप उनको भी दे सकते हैं, घर में खुद बना कर पिए, अपने बच्चों को दें, बाज़ार से बहुत अच्छा और मज़ेदार जूस हमारा घर में तैयार है। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही सादा और आसान रेसिपी है, इसको बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार हमारा जो है ना लीची का जूस तैयार हो गया है। आप सबसे गुजारिश है, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, इंजॉय करें।